एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 15 सितंबर और आज का मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ ये चने को फ्राई। तो आजकल रोज़ रात में मैं इस तरह से चने वगैरह भिगा के रख देती हूँ और सुबह फ्राई करके इनको हल्का सा पापा के लिए, तो पापा को दे देती हूँ। इस तरह से फ्राई करके हल्का सा नमक और हल्दी डालती हूँ बस इसमें, और कुछ नहीं डाला है। और एक तरफ मैंने रखा है तेल गर्म होने, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर पकौड़ी और पूरी। तो जैसे कि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं तो बस जो भी सुबह बनता है, तो पूरी पकवान वगैरह, तो सबसे पहले वो कौवे के लिए निकलता है छत पर। तो वही सब यहाँ पर पापा करने के लिए वही बना रही हूँ। जो भी बनेगा वो सबसे पहले छत पर निकलेगा, तो बस वही कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए पीहू क्या कर रही है, यहाँ बैठी हुई बिस्किट खा रही है। तो ये अंशु से यहाँ पर बिस्किट छुपा रही है उनको, तो बैठी हुई है कि अंशु ना ले रहे, तो पूरा पैकेट ले रखा है इसने और बस बैठी है कि इसको छुपा रही है कि भैया ना छेड़े इसको। तो देखिए किस तरह से वो पैर से उसको कर रही है। और अब थोड़ी देर में देखिए किस तरह से कभी इधर कभी उधर बस इसी तरह से मस्ती करती रहती है। तो अब पर्दे के पीछे बैठी है, कभी इधर नीचे रख रही है, कभी फिर उन्हें काउंट कर रही है 1 2 3 4 करके। तो इस तरह से सीख भी रही है और खेल भी रही है। तो बस दिन भर इसका यही काम रहता है कुछ ना कुछ। तो फिर और अंशु भी इधर बैठा हुआ है, अंशु देख रहा है अपना कार्टून। तो अंशु तो ज़्यादा टीवी देखना पसंद करता है, कार्टून वगैरह, और ये थोड़ा देर देखती है, उसके बाद फिर अपना खेल करने लग जाती है। और यहाँ पर देखिए अंशु को पता नहीं क्या हुआ, किस बात पर ये गुस्सा हो गया है और यहाँ पर गुस्सा होकर यहाँ अंदर आकर बैठ गया है और कहना ही नहीं मान रहा है, सुन नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो कभी कभी ऐसे ही करता है, तो उसको अभी कुछ चाहिए तो बस इसलिए गुस्सा हो रहा है पता नहीं किस बात से। तो मैंने इसको डांट दिया था अभी थोड़ी देर पहले, तो शायद से उस बात से ही गुस्सा हो रखा है ये और अंदर आके बैठा हुआ यहाँ पर। और इसे देखिए, इसको कोई मतलब नहीं है क्या करना है क्या नहीं, बस अब अपना मस्ती में लगी हुई है। तो मिष्टू की गाड़ी पे बैठी हुई है और बस उसे चला रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, यूट्यूब सब अच्छे होंगे। आज है संडे और 13 सितंबर, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो चलिए कुछ कर लेते हैं। तो मैं बैठी हूँ अभी अपना सूट सिलने के लिए, तो यहाँ पर बैठी हूँ मशीन में। तो बहुत दिन हो गए थे सूट को कटे हुए रखा हुआ था, तो इसका मैं फ्रॉक सूट बना रही हूँ, तो उसको ही सिल रही थी बैठ के। तो सोचा चलो वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ क्या कर रही हूँ मैं शाम के टाइम में। और जो ये बाहर वाला सोफ़ा था जहाँ पर हमने बाहर बेड लगाया था, तो वहाँ पर ये वाला सोफ़ा यहाँ अंदर कर दिया हमने यहाँ रूम में, और वहाँ पर हमने फोल्डिंग लगा दिया, तो ये सोफ़ा को इधर ही कर दिया था। तो ये देखिए ये वाला सोफ़ा कवर जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, साड़ी से बनाया था। तो आपको शाम का टाइम हो रहा, तो यहाँ पर देखिए हमारे खेत की हालत क्या हो गई, मतलब इतनी मेहनत करी यहाँ पर, कुछ ना कुछ लगाया मम्मी और भैया ने बेल वगैरह, तो बहुत मेहनत करी तो सारी मेहनत बेकार हो गई। तो इसमें से अभी तक एक भी लौकी और एक भी कद्दू नहीं निकला है इस पेड़ में से। हाँ, 2-3 तोरी और सिर्फ थोड़ा सा लोबिया निकला है, और यहाँ पर एक भी लौकी नहीं हुई और एक भी कद्दू नहीं हुआ। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। तो अब इसको साफ़ कर रहे हैं पूरा, तो यहाँ पर अब सर्दियों का लगाएंगे थोड़ा राई वगैरह। और अब फिर मैं बैठी हूँ यहाँ पर, ग्रॉसरी का सामान लाया था ये घर का राशन का, तो बस इसको मैं लगा रही थी। तो यहाँ पर मैंने पीयू भी मेरे साथ ही बैठी है, तो घर का छोटा मोटा सामान है जो रोज़ का इस्तेमाल का सामान होता है, तो इस तरह से मैं इनको बकेट में लगा लेती हूँ। तो ये बकेट मेरे पास हमारे पास एक्स्ट्रा रखी हुई थी यहाँ पर, तो ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता इस बकेट को, और थोड़ा सा इसका हैंडल टूट गया था, तो इसको मैं इसी इस तरह से स्टोर करने के लिए रख लिया यहाँ पर। तो इसमें मैं सब कुछ ये लगा के रख लूँगी। और यहाँ पर ये वीडियो शूट कर रहा है अंशु, तो वही देखिए किस तरह से वो शूट कर रहा है, और मैं उससे बात भी कर रही हूँ। तो वो कह रहा है मम्मी मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं उससे बात भी कर रही हूँ। और बस जो सामान ज़्यादा अभी पहले से रखा हुआ है डब्बों वगैरह में, तो वो मैं सामान नीचे रख लूँगी, और जो सामान अभी ऊपर रखूँ जो अभी थोड़ा सा यूज़ आने वाला है, तो अभी मैं इनको डब्बों वगैरह में नहीं रख रही हूँ क्योंकि पहले से ही रखा हुआ है, तो इसलिए। और डब्बे में भर दो तो फिर ख़राब भी हो जाता है, अगर पहले पुराना वाला यूज़ हो जाए पहले का, तो फिर उसके बाद ही नया रखा जाए। तो इसी तरह से पहले मैं सब कुछ ऊपर रख लूँगी और देख रही हूँ मैं क्या क्या चीज़ें हैं, और उस हिसाब से मैं इनको ऊपर नीचे करके रख रही हूँ। और पीयू भी दरी बैठी है मेरे बगल में, और ये देखिए अपना कार्टून दिखा रहा है कि मैं कौन सा वाला कार्टून देख रहा हूँ टीवी में।
तो आजकल इसको बहुत शौक लगा इस तरह से वीडियो बनाने का, तो ये मेरी तरह ऐसे करता रहता है रोज ही। तो कल लेके आए थे भैया ये सामान सारा, तो बस इसलिए आज मैं चलो अब लगा लेती हूँ, अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो इसको सही करके लगा लेती हूँ फिर। और बस अब इसी बाल्टी को, इसमें पूरा सामान आ गया है, अब इसी बाल्टी को मैं किचन में रख के आ जाती हूँ जहाँ पर मैंने इसकी जगह बनाई हुई है। और चलो किचन में आई हूँ तो कुछ बना भी लेती हूँ बच्चों के लिए, तो शाम का टाइम है और भूख का टाइम भी है बच्चों की, तो बस इसीलिए उनके लिए बना रही हूँ थोड़ा सा स्नैक्स। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ मखाने को फ्राई, तो इवनिंग स्नैक के लिए बहुत अच्छा है और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा घी डाला है और उसमें डाला है मखाने और थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर, और बस इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। इसको बस भूनूंगी और जब तक मखाने बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा इनका साइज़ छोटा हो जाएगा तब तक मैंने भूनूंगी अच्छे से। तो 2-3 मिनट के अंदर ही ये भुन के तैयार हो जाएंगे और बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको, और काफ़ी हेल्दी भी होता है ये, और अच्छे से पेट भी भर जाता है और कोई और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों को इस तरह से मखाने वगैरह फ्राई करके देने चाहिए, तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह से कर लेती हूँ मखानों को बच्चों के लिए, तो वो खा भी लेते हैं खुश होकर और उनके पेट भी भर जाता है और पसंद भी करते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो बच्चे क्या बड़े भी खा सकते हैं, सभी खाते हैं इसको, तो पर बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करना इस तरह से बच्चों को फ्राई करके देना, बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो 2 से 3 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाएंगे। धीरे धीरे इनका साइज़ भी अच्छे से छोटा हो जाएगा इस तरह से, और नमक डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें हम काला नमक भी डाल सकते हैं और चाट मसाला, अगर आप ज़्यादा मसालेदार खाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर बिना मसाले के बना रही हूँ इसको, क्योंकि बस बच्चों को नमक चाहिए, थोड़ा सा नमक के हिसाब से ही वो खा लेंगे इसको। और दोनों वहाँ बैठे हुए वेट कर रहे हैं, मम्मी कब देगी, मम्मी पॉपकॉर्न कब देगी। तो वो मखाने को दोनों पॉपकॉर्न बोलते हैं, तो पीहू वहाँ पर नीचे मुझे कह रही है मम्मी पॉपकॉर्न दे दो, पॉपकॉर्न दे दो। तो बस ये हो गए हैं बनकर तैयार। तो बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए इस तरह से कुछ ना कुछ बना लेना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा इसमें से पापा मम्मी को भी दे दूंगी मैं बस। और तो ये था हमारा छोटा सा इवनिंग स्नैक, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और बताना कैसे लगा आपको मेरे ये वीडियो। तो सामान वगैरह सब मैंने लगा लिया, ग्रॉसरी का सामान आया था, घर का राशन का सामान, तो वही सब मैंने अरेंज कर दिया है। तो एक बकेट थी मेरे मैंने पास, उसमें मैंने अरेंज कर दिया है। और उधर बच्चे देख रहे हैं टीवी, तो मैं इस कमरे में आई हूँ आप लोगों से बात करने। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह अपना प्यारा प्यारा सहयोग और सपोर्ट देते रहिए, इस तरह से आप दे रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सा और बढ़ाइए प्लीज़। तो चलिए आज के लिए अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आज ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ, शाम हो गई है, ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ, कल भी मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।